अब युद्ध अनिवार्य है, इसलिए शासन के सारे कार्य आज से युद्ध नीति के अनुसार निर्धारित किए जाएं। आमोद प्रमोद, ऐश्वर्य के प्रसाधन आज से समाप्त किए जाते हैं। इस आदेश का तत्काल पालन हो। युद्ध की मंत्रणा के समय साधारण सभासदों की राज्यसभा में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। आप सब जा सकते हैं। जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी है। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उस अहंकार और शक्ति का मद सहन नहीं कर सका। उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्प से उसने उस शक्तियों का भोग किया है। तुम अपने पिता को यह प्रवचन देने आ गए कि हे पिता, जो तुमने तीनों लोकों में अपनी विजय का डंका बजाकर अखंड यश प्राप्त किया है, आज उस यश को धूल में मिलाकर दो वनवासी भिखारियों के चरणों में जाकर बैठ जाओ। इंद्रजीत, याद रखो, जो स्वयं अपने हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, देवता भी उसका सम्मान नहीं करते। वह कहेंगे कि मृत्यु के डर से रावण ने हार स्वीकार कर ली। हाँ, उनकी शक्ति से तुम भयभीत लग रहे हो, तुम्हारा मन और शरीर दोनों थक गए हैं। जाओ, अपने महल में जाकर विश्राम करो। यह युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ लेगा। रावण का मार्ग स्थिर हो चुका है, उसे अपमान और अपयश का नया मार्ग मत दिखाओ। इंद्रजीत, लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेनाध्यक्ष प्रहस्त, आप सबको विदिति है कि आर्यावर्त से आया एक दुराग्रही दुस्साहसी मानव कुछ भालू वानरों को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई करने का सपना देख रहा है। अब युद्ध अनिवार्य हो गया है। लंकेश, युद्ध को हमारी लंका के द्वार तक लाने का दायित्व क्या केवल उस मानव पर ही है? क्या हम इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि यदि सीता को लौटाने से युद्ध रुक सकता है तो क्यों ना उसे लौटा दिया जाए? जो युद्ध का वास्तविक कारण है, हमें उस कारण पर भी विचार करना चाहिए महाराज।